हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे कुछ ऐसी टिप्स, आलू के साथ रहेगी। तो हम आज बनाने वाले हैं फलाहारी आलू। फलाहारी आलू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो हमने आधा केजी के आलू ले लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से धोकर बॉयल कर लिया है। बॉयल करके हमने इन्हें छील लिया है। तो आलू को यहाँ पर हमें कट कर लेना है इस तरीके से। आलू पे यहाँ पे हमने सारे कट कर लिए हैं। फलाहारी आलू बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, 2 से 3 कटी मिर्च ले ली है, 2 चम्मच हमने ये धनिया लिया है, 10 कलियां हमने काली मिर्च ले ली है, और यहाँ पे 1 चम्मच हमने अदरक का टुकड़ा चॉप कर लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने ये काली मिर्च पाउडर लिया है, ये काली मिर्च हमने रोस्ट करके लिया है। इसमें 1/2 चम्मच हमें नींबू का रस चाहिए, और हमें चाहिए ऑयल। यहाँ पे तेल हीट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो कटे हुए आलू रखे थे। यहाँ पे आलू सारे हमने ऐड कर दिए हैं। इनको हमें फ्राई करना है। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे आलू जो फ्राई हो गए हैं पूरी तरीके से, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, जो हमने 1 चम्मच टुकड़ा अदरक का रखा हुआ था। हरी मिर्च ऐड किया हमने, काली मिर्च, फ्राई किए आलू रखे थे ऐड करेंगे, ये काली मिर्च पाउडर रखा हुआ था, पूरा डालेंगे। आधा नमक, फ्लेम कर देंगे अब ऑफ। आधा नींबू का रस, तो ये नींबू का रस हम ऐड कर देंगे। ये फलाहारी आलू बनकर रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ती, थोड़ा सा एंड में डालेंगे, क्योंकि आजकल वायरल बुखार चल रहा है। बुखार की वजह से ज़ुबान का पूरा टेस्ट चला गया है। तो ये ऐसी डिश है, ये ऐसी रेसिपी है, कुछ अच्छी लगेगी ये टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसको एक बार आप ट्राई करके जरूर। इसमें डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती हल्का सा, और इसमें डालेंगे नींबू। ज़बरदस्त डिश बनकर रेडी हो गई है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि डिश ये कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फलाहारी आलू बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये जो ज़ुबान में टेस्ट नहीं रहता उसके लिए तो बहुत अच्छा है। इसको एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।